डरा कीजिए हमसे, समझे? डरा कीजिए हमसे, क्या डरा कीजिए हमसे, डरा कीजिए आपसे, आपसे कौन डरेगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो आज रात में हम लोगों का डिनर कहीं और होने वाला है। तो कहाँ होने वाला है बताएंगी मिस बुड्ढी, सॉरी पुनीता। कहाँ ले जा रही बर्तन बासन, छोड़ के जा रहे हैं क्या? मिस लेट होगा, आइए ना। तो गाइस आज जो है दीदी जो है बनाई है दाल वाला, क्या बनाया जी? दीदी बनाई दाल भर की पूरी और सब्जी, हम बना दिए। ओह माय गॉड, डिलीशियस। तो दाल भर के पूरी और ओह लगा ना। सोफा जो है वास्तव में किस तरह का सोफा? गाइस ये देखिए, गाइस सी छी 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 छी। चलो ठीक तो हम लोग अभी चलो बेटा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर दीदी के घर पे, और वहाँ पे दीदी बनाई है दाल पूड़ी और ये बनाई है खीर। मतलब दीदी बोली खाना मत बनाइएगा, हम बना रहे हैं वो दाल भर के पूड़ी और सब्जी। हम बोले कि इसमें खीर भी अच्छा लगता है, तो हम सोचे दूध था रखा हुआ, तो हम बोले हम खीर बना लेंगे। तो आज बहुत टेस्टी टेस्टी खाने को मिल रहा है दीदी के हाथ का और इसके हाथ का खीर, मज़ा आ जाएगा अच्छा करके। तो जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर पे, क्योंकि दीदी को लगा है भूख और हो गई काफ़ी लेट, और चलते हैं हम लोग ऊपर, ऊपर जाके दिखाते हैं। हो गया गाइस, हम आ चुके हैं। नॉक नॉक, पीने होने, नॉक नॉक। ये बना रही है। हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ तुम दिखा रही हो, सब दिखा रही है। ये ऊपर जी क्या कर रहे हैं? ऊपर जी बैठे हो यार, क्या बोलो नाप नाप। हेलो, ये वाला खरीदा है क्या? हाँ। कोई खाली कैमरा? दो 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 दो। कुछ मैं उधर दिखाऊंगी लेकिन। हाँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं फाइनली, और ये ड्रामा ऐसा देख रहे हैं, ये पागल हो गई। हाँ। कल इसका एग्जाम है और ये कूद रही है यहाँ पे आकर के। जल्दी खाना खाओ तुम बाबूजी के घर में। रुको। तो अभी ये शूटिंग करेगी, अब आप लोग इसका शूटिंग का एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए। यो सिनेमैटिक बॉडी बिल्डर भैया, छोटी छीटर भैया, बॉडी बिल्डर भैया, लूजर लूजर भैया। हो गया बेटा, दो नहीं मार फुलाते हुए दे कैमरा से, दो दो करना है। तो ये देखिए आते ही जो है ये किचन में घुस गई, किचन में घुस नहीं करना है, सब कुछ मोबाइल के बदले इसको लगाया है। ये हमारा आज का खाना, आज ये डिनर हम लोग कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं लेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे लाइट की समस्या है, समस्या क्या मतलब हमें खुली आंख से तो दिख रहा है, बट आप लोगों को भी दिख जाएगा। और ये देखिए इसका जो है यहाँ ये क्या बोलते हैं उसको, आसन लगा हुआ है इसका। ए बजाओ मत। तो क्या क्या है डिश में? दाल की पूरी और ये आलू और बरबट्टी, बोधी भी बहुत बोलते हैं हर जगह। अच्छा, और ये खीर जो कि मम्मा। तो ये तीन चीजें आज बनी है यहाँ पे और हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए तो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। खाने समय ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जब इतना टेस्टी खाना हो तब तो और। बिल्कुल, तो मैं भी टेस्ट का आनंद लेता हूँ, आप लोग ब्लॉग का आनंद लीजिए। खाना वाना खा करके वही ड्रामे बाज को इधर दुपट्टे में घुसी पड़ी। दरवाजे रहे हैं, दरवाजा तोड़ के घुसी है ले जा अभी। आग खोलिए ना, खोलो दोनों, छोड़ ना बेटा ऐसे फंस जाएगा। देखिए कितने देर में खुलेगी, सब लाल लाल। तो आपने बस टाइम देखिए कितने देर में खुलती है। नहीं घुस रहा, जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है बहुत। हटा देती है ये, आप भी वैसे ही है, देख लीजिए। बाप रे बाप, कैसा सब है, पता नहीं कैसे निकल जाए। अभी
ऐसा मतलब मेरे घर में सब जो है ना क्या बोले, एक लॉक नहीं खोल रहा है इन लोगों से। मारूंगी तुम्हें अभी। जल्दी से लाकर दो, जल्दी पेपर ले लो। हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी सुबह सुबह तनिषा स्कूल जा चुकी है और उसका आज से उसका टेस्ट मतलब सॉरी हाफ ईयरली एग्जाम है और आज पहला दिन इंग्लिश का पेपर है उसका। तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके जल्दी वो स्कूल भागी है और उसके लिए नया कार्डबोर्ड भी कल आया था क्योंकि जो पिछले टाइम उसका कार्डबोर्ड जो खरीदाया था वो हम लोग मतलब मुझे लगता है कि 4-5 साल हो ही गया था उसके कार्डबोर्ड को लिए हुए। तो कल उसका बहुत इच्छा था कि नया कार्डबोर्ड लेकर के वो पेपर लिखने जाए। तो मम्मा जो है दौड़ के रात में 9:30 बजे गई है और लेकर के आई उसके लिए कार्डबोर्ड कि मेरी बेटी जो है अच्छे से एग्ज़ाम देगी। अब अच्छे से देती है या नहीं देती वो तो आने के बाद पता चलेगा, बट मैंने पूरा उसको धमका दिया है कि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम देख लेना। वैसे बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, बच्चे आजकल काफ़ी स्मार्ट हैं और वो खुद ही नंबर ले ही आएंगे, बट लेकिन फिर भी यार एज अ फादर बोलना तो मेरा फ़र्ज है और कहूँगा ही, बाकी बच्चे तो खुद ही कर रहे हैं आजकल, सुन किस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊं मैं क्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब फ़ोन पे अगर बात करते हैं ना तो मैं अपनी मम्मी से ही बात करता हूँ ना, चाहे वो ये मैं 10 दिन के बाद फ़ोन करूँ तो मुश्किल से 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। 10 मिनट में बात करूँगा और उसमें सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद बस यही बोलता है और बताओ बस यही होता है। मैं बोलता हूँ फिर ठीक है चलो फिर बाद में फ़ोन करते हैं। और अभी सिर्फ एक बात पूछना था कि सैमसंग का फ़ोन हैंग होता है या नहीं होता है, वो पूछने के लिए बस ये फ़ोन की थी। मुझे लगता है कि आधा घंटा से ऊपर हो गया ये फ़ोन पर लगी हुई है, अभी तक झाड़ू कर रही है उसके बाद भी फ़ोन पर लगी हुई है। और सिर्फ क्या पूछने के लिए पता है, बस कि सैमसंग का फ़ोन हैंग होता है या नहीं होता है, ये था टॉपिक आज का। और उसके आधा घंटा से लगी हुई है फ़ोन पर। भगवान जाने इतना बात आता कहाँ से है। और भी मैं ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हो सकता है आपके घर में भी ऐसी देवी रूपी एक औरत होगी आपके घर में भी जो कि मतलब ऐसी बात करती होगी, बट लेकिन यार मतलब इतना बात क्या क्या बात करते हैं जी है? मुझे समझना भी नहीं है फालतू जी। बाप रे बाप यार, मतलब पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा लेकिन इन लोगों का बात खत्म नहीं होगा। और उसके बाद ही बोलेगी चलिए ठीक है मिलते हैं तो फिर बात करते हैं, पता नहीं क्या बात रह गया है माँ की। बाप रे बाप, बंडमरू बिलार। हे गाइस, तो अभी मैं आया हूँ अपने वाइफ के पास और एक प्यारा सा गीत गाऊंगा इसके लिए। जाने क्या हुआ है जी, गलत हो गया, जाने क्या हुआ है। कैसे गाना था यार, भूल गए। मैं इसका सुंदर सा चेहरा देख करके ना मतलब मेरा जो है याददाश्त खो जाता है ना। तो आप लोग ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये जो है आज पिंकी जो है मतलब जो मेरी जो पिंकी है ये वाली पिंकी कुछ अलग लग रही है आपको? क्या अलग दिखूंगी? आज का कुछ हेयर स्टाइल अलग इसका चेंज नहीं लग रहा है? मेरा कहाँ चेंज है, तो वैसे ही रहता है, उसमें चेंज था। जाने क्या हुआ है क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। डांस गाना बोल रहा था मतलब गाना गा रहा है, ये नहीं कि डांस किया जाए, तो उठ के भाग रही है अभी डूब जाए। मतलब छोड़िए अब क्या आपसे प्यार करें हम, मतलब रोमांटिक होकर कुछ गाना गा के सोचे डांस करेंगे तो भाग रही उठ करके, पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट मोबाइल में देख रही है। ये देखिए बिल्ली, तुम कहाँ छुप रही हो, छुप क्यों रही हो? ओह बाप रे बाप, आजकल जो है ना मतलब देखिए मुस्की इसका, देखिए मुस्की। अब कभी बोलिए कि हम डांस नहीं करते, गाना नहीं गाते हैं। डरा कीजिए हमसे।
यार गजब बेइज्जती कर रही है लोग मेरा सब बैठ के यहाँ पे है। मतलब किसी को कुछ बोलते नहीं है हम, तो ये बोल रही है आपसे कौन डरेगा। और ये तो कभी हमसे डरते ही नहीं है। ऐसा हम मारे क्यों? ये बंडमरू है, ये लो हटो, उल्टा हमें उल्टा लगा था। ये वाला सोफा, मतलब ऐसे परेशान करिएगा मत, आपको लग ही रहेगा। ये वाला सोफा है ना, बहुत गलत जगह पर रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे हमेशा इस जगह से यहाँ पे पैर में ऐसे 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 चोट लगी जाता है हमेशा अक्सर। और मेरा इससे छोटी उंगली से ऐसे हो जाता है। कितना अच्छे से मेरा ऐसे हो जाता है, मैं ऐसे हो जाता है। मतलब जो है मेरा नसीब जो है ना बहुत खराब है। मतलब मुझे हर जगह नसीब खराब है। नहीं मतलब सुबह उठो तो बीवी ताना मारती है, फिर उसके बाद बीवी झाड़ू मारती है, मतलब झाड़ू लगाती है, मतलब मुझे नहीं मारती है, झाड़ू लगाती है, फिर और क्या बोले तो ये आज तो मैंने ना आज मैंने ना अपनी दीदी को कंप्लेन किया था। आप लोग मेरे प्रैंक चैनल पे जाकर के देखिए, पुनीता लाइफ चैनल का नाम है, उस पर देखिएगा। आज मैंने ना अपनी दीदी को फोन करके कंप्लेन किया था कि मेरी बीवी मुझे कैसे सताती है, और आप लोगों को बहुत मजा आएगा वो प्रैंक देख करके, क्योंकि मैं भी देख करके बाद में बहुत हंसा हूँ उस प्रैंक को। मतलब ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेरे सच बता रहा हूँ, ऐसे प्रैंक का कोई प्लानिंग नहीं था, बट लेकिन इसको परेशान करते करते ना मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया है कि ना ऐसा कुछ प्रैंक बनाया जाए जिसमें कि इसको भी थोड़ा सा दिमाग हिल जाए। वाट लागली। पता नहीं मैंने सही बोला या नहीं बोला, क्या उसको बोलते हैं इसको, वो जो कौन अनु मलिक जो बोलते हैं आग लगा दे। तो इसको करने दीजिए नौटंकी, ये उसको बस अभी समय नहीं है मुझसे बात करने का। तो मैं अभी एकांत में आकर के आराम से अपना जो है काम करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट।